बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए एक्ट एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। देखिए, कंजर्वेटिव कंजर्व से निकला है, सेमी का मानी होता है हाफ, कंजर्व। डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं। जो डीएनए की रेप्लिकेशन है इसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है इस स्ट्रैंड से आगे कॉपी होनी होती है, जिसकी बुनियाद पर जो नेक्स्ट बनते हैं वो दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। एक स्ट्रैंड जो सा होता है वो ओरिजिनल होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो सा होता है वो कॉपी होता है। जब एक स्ट्रैंड ओरिजिनल आए दूसरा कॉपी है, दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल को प्रूव किया दो साइंटिस्ट थे, मिजेलसन और स्टाहल। टू साइंटिस्ट हैं, एक है मिजेलसन और सेकंड है स्टाहल। 1957 से 1958 की बात है। ठीक है, इन्होंने कहा कि डीएनए बिहेव ही करता है। जो डीएनए वो बिहेव, जब रेप्लिकेशन की बात करेंगे वो बिहेव करेगा एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, जिसकी बुनियाद पर आप ये कहते हो कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हाफ जो से होते हैं ना, वो हमें कहाँ से आ रहे होते हैं, पेरेंट्स से, और हाफ हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म होती है। इन्होंने इस चीज को प्रूव किया, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए वो एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया कहते हैं, इस पे किए। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया था बैक्टीरिया में वो ई कोलाय बैक्टीरिया था, एस्चेरिचिया कोलाय। इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए। मैनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने एक बात तो ये कि उन्होंने ई कोला बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, पहली बात तो ये होगी। सेकंड जो सी है वो ये कि इन्होंने यहां पर नाइट्रोजन, उसके आइसोटॉप्स भी यूज किए हैं, नाइट्रोजन का आइसोटॉप उसे भी यूज किया। यानी कि यहां दो नाइट्रोजन है, N14 जो नॉर्मल है, N15 जो इसका आइसोटॉप्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड है, ये इन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ये सपोज आपके पास बैक्टीरिया है, ई कोला है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इन्होंने इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया एक पेट्री डिश में। ये बैक्टीरिया यहां आ गए, ठीक है, ये जो असल में डिश थी इसमें कल्चर था, जिस कल्चर में नाइट्रोजन 15 वाली मौजूद थी। ठीक है, अब जब ये बैक्टीरिया यहां पर ग्रो किए तो ये जो नाइट्रोजन थी N15, ये वाली नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, ये उसका पार्ट बन गई। क्यों पार्ट बनी, क्योंकि आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये कंसिस्टेड होता है किसके ऊपर, न्यूक्लियोटाइड्स पे। जब ये न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्टेड होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होती है, N बेसिस। तो
तो इसी वजह से ये डीएनए का हिस्सा बन गई नाइट्रोजन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट इंटरवल्स पे इनके रिजल्ट्स लेना शुरू किए। यहां पर डिफरेंट इंटरवल्स पे इनके रिजल्ट्स लिए, ठीक है। तो सपोज ये आपके पास आ गया, ये नॉर्मल बैटरी है जिसके अंदर ये डिवाइड किया है, अब इन्होंने इसके रिजल्ट्स लिए, पहले लिया जीरो टाइम, फिर लिया 20 मिनट्स बाद, फिर लिया 40 मिनट्स बाद, ठीक। ये आ गया जीरो पे, ये आ गया 20 पे, ये आ गया 40 पे, ठीक। अब इन्होंने इनको चेक किया, यहां पर एक कंट्रोल ग्रुप है, अच्छा इससे पहले एक बात, इन्होंने ये जो N15 वाला था, पहले ये नॉर्मल ग्रो कर रहे थे, ये एक आइसोटॉप्स यूज किया हुआ है इन्होंने N15, इन्होंने पहले इस बैक्टीरिया को N15 में ग्रो करवाया, इसको N15 से इन्होंने निकाल कर दाखिल कर दिया किस में, इस कल्चर में। ये वाला जो कल्चर था ना, कल्चर, इस कल्चर में अब जो मौजूद थी वो थी N14, यहां पर N15 है, इसको N15 वाले कल्चर में ग्रो करवाया, अब इसी 15 वाले को निकाल कर, नया नहीं, इसी 15 वाले को इन्होंने निकाल कर किस में दाखिल कर दिया, N14 वाले में। अब N14 और 15 दोनों इंटरमिक्स तो होने, अच्छा फिर उन्होंने अब इसके रिजल्ट लिए, इसके, अब जब इसके रिजल्ट लिए तो उन्होंने ये डिफरेंट ली, अब उन्होंने जब इन चीजों को चेकआउट किया तो अब उन्हें डीएनए के फ्रेगमेंट्स चाहिए थे। अब उन्होंने क्या किया, इनके रिजल्ट्स लेने के लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की, इनके रिजल्ट्स लेने के लिए इधर से जो डीएनए, इधर जो बैक्टीरिया निकाला, उस बैक्टीरिया को उन्होंने डीएनए निकाला, डीएनए निकालकर एक ट्यूब में दाखिल किया, एक फ्लास्क में दाखिल किया और इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी थी तो आपको पता है कि जहां पर जो जेनेटिक मटेरियल था उसने टूट जाना था। अब ये जो बेसिकली तौर पर ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ले रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ले रहे हैं, ये किस बेस पे ले रहे हैं, ये डेंसिटी बेस पे ले रहे हैं, कसाफत डेंसिटी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इस चीज को चेकआउट करने के लिए इन्होंने इसका भी एक सोल्यूशन बनाया, किसका, सीजियम क्लोराइड का। इन्होंने सीजियम क्लोराइड क्यों यूज किया, कोई और क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जो सीजियम क्लोराइड होता है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी डेंसिटी की बुनियाद पर बहुत अच्छा सेपरेट कर देता है, इसलिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया, किसी और का यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छा एक मीडियम है। अब जब उन्होंने इस डीएनए को यहां रख के सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से इसके डिफरेंट पीसीज ले लिए, अब यहां पर फिर क्या हुआ, इनके पास डिफरेंट पीसीज आ गए, इन्होंने डिफरेंट पीसीज ले लिए। अब उन्हें चेक किया, जब उन्होंने इन डिफरेंट पीसीज को चेक किया तो अब पहले इनके पास एक कंट्रोल ग्रुप था, चले अब ऐसा कर लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप कौन सा था ना, इसमें डीएनए बिल्कुल टॉप पे था, बिल्कुल टॉप पे, यहां पर डीएनए मौजूद था, 20 मिनट पे लिया, चले मैं पहले ये सारी बना लूं,
जीरो डी पे लिया, जब इन्होंने पहली बार इसमें इसको ऐड किया, किस पे, एन फिफ्टीन, जब एन फिफ्टीन में दाखिल किया ये बॉटम में चला गया, क्योंकि एन फिफ्टीन भारी होती है, ये बॉटम पे चला गया। 20 मिनट बाद क्या हुआ, 20 मिनट बाद इसमें अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ मिलने थे, एक स्ट्रैंड ये आ गया, दूसरा स्ट्रैंड ये आ गया, 20 मिनट बाद दो स्ट्रैंड आपस में मिल गए। 40 मिनट बाद इन्होंने क्या देखा, 40 मिनट बाद इन्होंने देखा एक स्ट्रैंड बॉटम में, एक स्ट्रैंड टॉप पे है, एक स्ट्रैंड कौन सा है, यानी कि प्योरली तौर पर डीएनए, वो दरमियान में, ये हाइब्रिड था, जिसमें एक स्ट्रैंड किसका था, ग्रीन वाला एन फोर्टीन का, एन फोर्टीन, और ये प्योरली क्या है, एन फिफ्टीन, एक स्ट्रैंड था एन फोर्टीन का, एक स्ट्रैंड था एन फिफ्टीन का। अब इसमें क्या हुआ, ये फोर्टीन वाला था प्योर फोर्टीन, ये प्योर फिफ्टीन, और ये इनकी हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड में सेमी कंजर्वेटिव। इससे ये बात वाजे हो गई कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड उसका ओरिजिनल का होता है, दूसरा स्ट्रैंड उसमें कॉपीड होता है। ठीक हो गया, ये इसने वाजे कर दिया, क्योंकि ये आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स पे डिवाइड हो रहे थे, तो जब डिवाइड हो रहे थे तो डीएनए भी डिवाइड हो रहा था, वो डिफरेंट तरह से स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहा था। इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर देखा तो इन्हें पता चला कि असल में डीएनए के यहां पर मॉडल्स बनते हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली तौर पर जब रेप्लिकेशन का प्रोसीजर होता है ना, तो डीएनए के मॉडल प्रीपेयर्ड होते हैं रेप्लिकेशन में, एक होता है कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव यानी कि ये एक स्ट्रैंड प्रीपेयर्ड होता है जो प्योर होता है पहले जैसा है, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। एक होता है डिस्पर्सिव, ये हमारे अंदर नहीं होता, ये बैक्टीरिया में ही होते हैं, और एक होता है मॉडल। ठीक, ये क्या होता है, ओरिजिनल, ये क्या होता है, ओरिजिनल एंड कॉपर्ड, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें पैचेस होते हैं, हमारे अंदर नहीं होता, और इसमें ये क्या है, ये टोटली चेंज, ये इस जैसे है ही नहीं, बिल्कुल बदलाव है। ठीक हो गया, तो ये चार तरह के मॉडल बनते हैं रेप्लिकेशंस की बुनियाद पर। ये मिजेलसन ओस्टाहल एक एक्सपेरिमेंट था, सिंपल सा, जिसके अंदर आपने सिर्फ इस चीज को इंडिकेट करवाना था कि डीएनए एक्ट करता है एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ओरिजिनल होता है, दूसरा कॉपी स्ट्रैंड होता है। ठीक हो गया।